हैं सब बच्चे आप लोग? मस्त मजे में, पूरे आनंदमय है कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले तो मुझे। अब आनंदमय है, आनंद मतलब मजा से बड़ी, बहुत बड़ी चीज आनंद है ना, और उससे ऊपर परमानंद। ठीक है, तो बस आनंदमय होना चाहिए। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, तो हमारा दिस इज द लेक्चर फॉर आप बैच ई, तो बहुत अच्छे से इस बात को समझना है। मैंने आपको क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था, क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको एन पढ़ा दिया था, एल पढ़ा दिया था, एम पढ़ा दिया था, एन एल एम, ये तीनों क्वांटम नंबर मैंने आपको पढ़ा दिए थे। हमारा आज का टारगेट है स्पिन क्वांटम नंबर का पढ़ना और क्वांटम नंबर के क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना। तो ध्यान से समझिए, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाई स्मॉल एस, एस एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे पहली चीज तो हम ये बताएं कि स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम, इज नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये क्वांटम नंबर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता है। एक बात, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमको मिलने वाले ये तीन क्वांटम नंबर थे जो मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिए हैं, यूट्यूब पर पढ़े हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तीन क्लास आप उठाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। तो श्रोडिंगर वेव, अब हमको क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिलता। तो ये जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिलता है। फिर ये कहां से मिलता है? तो एस माने स्पिन क्वांटम नंबर एस ऑब्टेंड फ्रॉम स्पेक्ट्रल स्टडी, मतलब हम जब एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से हमको मिलता है, ये स्पेक्ट्रल स्टडी से मिलता है हमको, या एक्सपेरिमेंटल स्टडी से मिलता है। तो स्पेक्ट्रल स्टडी, जब हम एटम की स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रम तो सब जानते हैं, तो स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, तब हमें एक नया क्वांटम नंबर मिल जाता है जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो कभी आपको क्वेश्चन आए कि स्पिन क्वांटम नंबर किससे मिलता है, तो हमारा आंसर होगा स्पेक्ट्रल स्टडी। और ये आपको आया है कि कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलते हैं, तो ये तीन मिलते हैं, और कौन सा नहीं मिलता तो ऐसे नहीं मिलता। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आप देखो ध्यान से लिख लिया सब लोगों ने, अब ध्यान से देखना, हमारा यह न्यूक्लियस है, किसी एटम का यह न्यूक्लियस है, और उसमें ये ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में ये आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो ये जो आपका ये जो मोशन है, ऑर्बिटल मोशन हुआ, ऑर्बिट में जो मोशन है वह ऑर्बिटल मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो रोटेट कर रहा है, तो ऑर्बिट में जो मोशन हुआ ये ऑर्बिटल मोशन कहलाया, ये ऑर्बिटल मोशन है। और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की ये एक्सिस, ये देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये एक्सिस हो गई इलेक्ट्रॉन की, ये दो पेन जो आपको दिख रहे हैं, ये एक्सिस हो गई इलेक्ट्रॉन की। बात समझ आ गई? तो ये अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, आपको बात समझ आ गई होगी। इस एक्सिस पर ये ऐसा, ये देखिए, ऐसा क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकता है या ऐसा रोटेशन कर सकता है, दोनों रोटेशन कर सकता है।
तो ऐसा रोटेशन इस तरफ देखिए मैं रोटेट कर रहा हूं और इस तरफ रोटेट कर रहा हूं, पर दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी से कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर, ये देखिए ये एक्सिस बना दी मैंने इलेक्ट्रॉन की, दिस इज द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस एक्सिस पर ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सिस पर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन कर सकता है, इस एक्सिस पर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन भी कर सकता है। ये फ्री है, जैसे मान लीजिए आप फ्री हैं, आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं फ्री हैं, और आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं फ्री है, तो आपकी इच्छा आप कैसे रोटेट करना चाहते हैं, समझ आ गया, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर जो मोशन कर रहा है उस मोशन का नाम हो गया स्पिन। तो ये जो एक्सिस पर जो मोशन कर रहा है इसका नाम हो गया स्पिन मोशन, ये स्पिन। आ गया बेटा समझ में? ये दो, तो यहां पर जब वो ऑर्बिटल मोशन करता है, मतलब ऑर्बिट में मोशन करता है, तो उसका नाम हो गया ऑर्बिटल मोशन, और अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, मोशन करता है, तो उसका नाम हो गया स्पिन मोशन। तो दोनों बातें क्लियर हो गई, तो जल्दी से बनाए। तो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर ये बतलाता है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन बतला रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। एफ डिनोट्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन एक्स, ठीक है। और इसके स्पिन के दो वैल्यू हो सकते हैं, वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर मे बी प्लस हाफ और माइनस, दो में से कोई एक हो सकता है। बेटा ध्यान से सुनना, बोले सर क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ होता है और ऐसे का माइनस हाफ होता है? नहीं बेटा, अब आपको ये बात समझना है, यदि तुमने इसको प्लस हाफ दे दिया ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन वाले स्पिन को यदि आपने प्लस हाफ दे दिया, तो डाउनवर्ड वाले को आप माइनस हाफ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया वो फ्री है, स्वतंत्र है, इलेक्ट्रॉन को ऐसा घूमना है तो ऐसा घूमना है, ऐसा घूमना है तो ऐसा घूम। अब मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक ऐसा घूमता है तो दूसरा ऐसा घूमता है, मतलब एंटी हो जाएंगे वो। तो यदि इस अपवर्ड वाले को आपने प्लस हाफ दिया तो डाउनवर्ड वाले को माइनस हाफ दे सकते हैं, और अगर मान लीजिए डाउनवर्ड वाले को आपने प्लस हाफ दिया तो अपवर्ड वाले को आप माइनस हाफ दे सकते हो, तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो यदि इसको आपने प्लस हाफ दिया तो इसको आप माइनस हाफ दे दीजिए, यदि इसको आपने माइनस हाफ दिया तो इसको आप प्लस हाफ दे दीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा आपका? बताइए, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका? यस सर। यदि आप, हाँ, तो अब आप कंफ्यूज तो नहीं है कि बोले सर इसका मतलब प्लस हाफ है और इसका मतलब माइनस हाफ है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ के, यदि आपने अपवर्ड वाले को प्लस हाफ दिया तो डाउनवर्ड को माइनस हाफ, यदि आपने डाउनवर्ड वाले को प्लस हाफ दिया तो अपवर्ड वाले को माइनस हाफ दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पूछी गई है, मैं आपको बताता हूं, पर ये आईआईटी में बहुत 5-6 साल पहले आया था ये क्वेश्चन। तो बात क्लियर हो गई आपको? एक रूम क्लीन बेटा। तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ
प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आर टू क्वांटम मैकेनिकल, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आर द टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन की, क्या है टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स, आप चाहें तो स्पिन भी लिख सकते, स्पिन स्टेट्स हैं टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। मतलब आप यदि इसको आपने प्लस हाफ दिया तो इसको माइनस हाफ देंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको प्लस हाफ ही दें और इसको माइनस हाफ, अगर आपने इसको माइनस हाफ दे दिया तो इसको प्लस हाफ, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। लिखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट आया है ये वाला स्टेटमेंट, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये जो प्लस हाफ है और ये जो माइनस हाफ है ये ना तो एनर्जी के साइन है, पहले अच्छे से सुन लेना, ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ ये एनर्जी के साइन नहीं है, ये प्लस हाफ और माइनस हाफ स्टेबिलिटी के साइन नहीं है, दोनों लिख लेना कि ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ नॉट रिप्रेजेंट एनर्जी, नॉट रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, ये कुछ चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते, केवल ये बतलाते हैं कि यदि एक प्लस हाफ में है तो दूसरा माइनस हाफ में है, यदि ये माइनस हाफ कर दें तो ये प्लस, बस ये इतना बतलाते। तो ये एनर्जी या स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं बतलाते हैं, ठीक है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ नॉट रिप्रेजेंटेड फॉर एनर्जी आर स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, समझ आ गया आप लोग को। अब जो आपने एंगुलर मोमेंटम देखे थे, ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम था n इंटू एच अपान टू पाई, मैंने लिखवाया पूरा समझाया है, सब ऑर्बिटल या ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम था अंडर रूट l l प्लस वन इंटू एच अपान टू पाई, अंडर रूट ऑफ l l प्लस वन इंटू एच अपान टू पाई। अब एंगुलर मोमेंटम हमको इलेक्ट्रॉन के स्पिन का देखना है, क्योंकि स्पिन का भी एंगुलर मोमेंटम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर देखिए एम बी आर, ये एम बी का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम और उसका रेडियस से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया एंगुलर, ये एम बी का मतलब होता है मोमेंटम और रेडियस से और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया एंगुलर मोमेंटम। तो एम बी अकेला है मोमेंटम और रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, खुद की एक्सिस पर जब वो स्पिन कर रहा हो तब ये होता है अंडर रूट एस एस प्लस वन इंटू एच अपान टू पाई, अंडर रूट एस एस प्लस वन इंटू एच अपान टू पाई। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको याद दिला देता हूं, जब आप एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट में देखते हैं तो एम वी आर, ये वही फार्मूला है एम वी आर, मास वेलोसिटी रेडियस, तो मास वेलोसिटी इनटू रेडियस,
इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन टू पाई, ये एन होता है आपका 1, 2, 3 वगैरह, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको पढ़ाया था, एम वी आर इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन टू पाई, एम वी आर इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन टू पाई। सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको पढ़ाया था एम वी आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। तो ये आपका एल ऑर्बिटल में या सब सेल में एंगुलर मोमेंटम है, दोनों में देखो मैंने क्या लिखा, सब सेल में ऑर्बिटल में ये एंगुलर मोमेंटम। बहुत बार क्वेश्चन आए एफ के लिए आया, पी के लिए आया, थ्री डी के लिए आया, इस पर क्वेश्चन रिसेंट जब आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको सबसे पहला कर्तव्य जो निभाना है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो पूरा वर्ड टू वर्ड याद हो पहली चीज, क्योंकि तो मैं सारे आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन, नीट में, एम्स में, पुराने एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए वो सब मेरे इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहला ये ड्यूटी आपकी की ये याद होना चाहिए। दूसरी ड्यूटी, आपको पिछले साल के जब से नीट, जब से क्या बोलते हैं मेडिकल एग्जाम शुरू हुआ, सीबीएसई पीएमटी बोलते थे, एआईपीएमटी बोलते थे, ठीक है, फिर आप नीट बोलने लगे, है तो वही चीज, वही सिलेबस है। तो आपको पूरे नीट के नीट 22 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इमीडिएट, एक भी मिनट वेस्ट किए बगैर आपको क्वांटम नंबर पढ़ के पूरे क्वेश्चन उससे सॉल्व कर लेना चाहिए, ये आपकी दूसरी ड्यूटी। और तीसरी है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर इन टेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट में एक्सरसाइज के, वो भी करने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया, लास्ट ईयर भी, उसके पहले भी, उसके पहले भी, 4 साल से मैं देखता हूँ एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट है, ये एंगुलर मोमेंटम इन सब ऑर्बिट ऑर्बिटल है, और यह स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आगे भी लिख सकते हो आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बताइए एस के कितने वैल्यूज होते हैं, 2, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो हम यहां पर लेंगे, अब ये ध्यान से सुनना बेटा, प्लस और माइनस तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, एक्चुअल तो हाफ है, तो हम जब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो केवल हाफ रखेंगे, ना प्लस ना माइनस, तो हाफ रखेंगे या प्लस हाफ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। एस का वैल्यू आपका ये हो गया प्लस हाफ। तो बताइए एम वी आर इक्वल टू अंडर रूट एस, एस का वैल्यू है हाफ। तो अब मैंने आपको बोल दिया कि आप ना प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पर साइन प्लस और माइनस वो वाले साइन नहीं है, ठीक है, तो ये हाफ हो गया इंटू हाफ प्लस वन इंटू एच अपान टू पाई, ये आपका बन गया। तो ये हो गया आपका कितना हो गया, ये 3/4 हो गया है ना, नहीं ये हो गया 1.5, 3/2 ये हो गया 1.5, 1/2 इंटू 1.5 अंडर रूट एच अपान टू पाई। तो ये अब आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परमानेंट होता है, ये एम वी आर जो है ये कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू हमेशा फिक्स है, क्योंकि स्पिन का वैल्यू तो हमेशा हाफ ही होगा, तो ये जब हाफ है तो ये कांस्टेंट हो गया, ये पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आप इसको आप जैसा भी लिखना हो, आपको 3/4 लिख लो इंटू एच अपान टू पाई, ठीक है, और करना तो और कर लो, ये 4 का अंडर रूट लेना तो यहाँ अंडर ये बाहर आ जाएगा, 2 into 2 = 4 हो जाएगा, तो √3/4 एच अपान टू पाई हो गया, √3 ये 2 हो गया और ये 2 तो 4 हो जाएगा, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो ना इसको, √3/4 इंटू एच अपान पाई, तो कैसे भी आप लिख लो, पर ये आप ध्यान से सुनना, ये कांस्टेंट होता है,
ये चेंज होने वाला नहीं है। तो कभी क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या लिखना है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये फोर है ना, क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। तो मैंने आपको इसके साथ साथ ये एंगुलर मोमेंटम भी समझा दिया, और ये सबसे ज्यादा पूछा गया, सबसे ज्यादा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे तुमको 30 से 35 साल के पेपर में, केवल इसी के, केवल इसी के। अब जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, ठीक है, तो हम ध्यान सुनिएगा, एस ब्लॉक में पी ब्लॉक के मेटल में, डी ब्लॉक के एस पी डी में, एस में पी में और डी, ये ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो केवल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बहुत ध्यान से सुनना, एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंट, मैं अभी अब समझाता हूँ। इन एलिमेंट में, ठीक है, इन एलिमेंट में ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, हम ऐसा लिख देते हैं म्यू एस, आगे एस बना देते हैं, कुछ लोग यहां भी बना देते हैं, आगे बना देते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है इनमें, स्पिन ओनली। और इसका जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट ऑफ एन, एन प्लस टू बी एम होता है, जहां पर n का मतलब है n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपकी ये समस्या s ब्लॉक की, p ब्लॉक की, d ब्लॉक की यहीं पर खत्म कर दी है। स्पिन, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, न्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n, n प्लस टू बी एम, बी एम बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये बीएम का मतलब होता है बोर मैग्नेट्रॉन, सब जानते होंगे इसको, बोर मैग्नेट्रॉन तो बहुत फिजिक्स में काफी पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये लिख लें, तो आप कभी कोई क्वेश्चन पूछे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है अंडर रूट ऑफ एन, एन प्लस टू बी एन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। डी ब्लॉक में आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है, इससे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। लिख लिया आप लोगों ने ये? यस सर। अब एक बात और ध्यान से सुनना, यहाँ पर अब बोले सर एफ ब्लॉक एलिमेंट, तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों का सम होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में, इनमें एफ ब्लॉक एलिमेंट में म्यू एस, इसका नाम तो मैंने लिख ही दिया, ये देखिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है,
प्लस म्यू एल, एल का मतलब होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये दोनों पर डिपेंड करता है, ये एस पर। किसमें? एफ ब्लॉक के एलिमेंट जब आप पढ़ोगे ट्वेल्थ में, एफ ब्लॉक के एलिमेंट आपने पढ़े होंगे ना, लेंथेनाइड एक्टिनाइड पढ़े ना सबने। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड में जो म्यू है, जो म्यू है, म्यू आप टोटल कर दो, ये म्यू ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू एस प्लस म्यू एल, मतलब स्पिन, ये नाम तो यही लिखा है मैंने, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एल का मतलब होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये ऑर्बिटल पर भी डिपेंड करता है और स्पिन पर भी डिपेंड करता है, इन दोनों के संपर्क। आपको आया है क्वेश्चन? जब आप कहाँ पढ़ोगे? जब आप पढ़ोगे वहां पे एफ ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन और ऑर्बिट, ऑर्बिट दोनों पर डिपेंड करता है। ऑर्बिट में जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन पर भी डिपेंड करता है और स्पिन पर भी डिपेंड करता है। बाकी इनमें एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में स्पिन पर ही डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड नहीं करता है। तो बात क्लियर हो गई बेटा आप लोग को? ये बात क्लियर हो गई पूरी? तो लिखिए जल्दी। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको वो चीज समझा दूंगा जो आगे तक आपको परमानेंटली काम आएगी हर चैप्टर में, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, कहीं भी। तो हम एक बार इसको ऐसी तरह से समझते हैं कि कहीं भी आए तो हमें दिक्कत ना पहुंचे। तो देखिए, हम अगर मान लीजिए मैं टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेता हूँ, टाइटेनियम होता है 22। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सब जानते हैं, इसका तो सब जानते होंगे, वैसे मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा पर थोड़ा सा समझा देता हूं यहाँ पर। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 3d2 और टाइटेनियम से मैंने +3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। देखिए +3 टाइटेनियम +3, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, एक तो यहां बचा 3d1 और ये 4s हो गया 0। ये सबको इतना तो आता है ना भाई? नहीं, आप तो सब 12th पढ़ के आए हैं। तो अभी मैं बताऊंगा, अभी घबराना नहीं अगर परेशान हो रहे हो। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया और दो इलेक्ट्रॉन यहां से और एक यहां से गया, तो डी में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब बताओ जरा यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये एस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये एस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये पी में ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये वाला पी 1, 2, 3, 4, 5 के ऐसे, इसमें भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ऐसे इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, P6 है ना, ये P6 है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डी में ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है माने हमारे पास इसमें, यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने आयन लिया, इसे नहीं लिया, अब इसे हटा दिया मैंने, आयन में टाइटेनियम +3 आयन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एन का वैल्यू हो गया 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, एन का वैल्यू हो गया कितना 1, ध्यान से सुनिएगा, एन का वैल्यू हो गया 1। जब n का वैल्यू 1 हो जाए तो म्यू इक्वल टू, आपने अब भी देखा, अंडर रूट ऑफ n n प्लस 2 bm, ये था आपका फार्मूला। तो आप म्यू का वैल्यू रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, 1 प्लस 2 कितना आ गया, अंडर रूट 3 का मतलब 1.73 bm, ये म्यू आ गया आपका 1.73 bm। बहुत ध्यान से अब इस बात को सुनना, यदि n का वैल्यू 1 है, ध्यान से सुनना, n का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू आया 1.73। ये भूल जाओ इधर का,
इधर का देखो n का वैल्यू वन तो वन पॉइंट समथिंग, n का वैल्यू वन तो वन पॉइंट समथिंग, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं। अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए कि म्यू का वैल्यू 1.73 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, तो बस इसको देख लो पॉइंट किस तरफ वाला, ये लास्ट ईयर ही आया है आपको चार में, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, तो ये 1.73, तो ये एन का वैल्यू वन हो तो म्यू का वैल्यू 1.73 हो जाएगा बी एन, ये बात लिखिए अच्छे से। तो ये पहला आपका ये हो गया। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो किसी में तो वो कैसे हो जाते हैं बताओ, किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, क्या तुम्हें याद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है बताओ, पैरा मैग्नेटिक। तो ये हो गया आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, ये हो गया पैरा मैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण हो गया पैरा मैग्नेटिक। ये लिखिए, दूसरा देखिए, अगर मैं यहां पर टाइटेनियम प्लस फोर कर दूं, यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा, टाइटेनियम यदि मैं प्लस फोर कर दूं तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहां से भी दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यहां बचेगा 3d0 4s0, बहुत ध्यान से बात को सुनिए, तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, पहले दो इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे और फिर दो इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे और ये बन जाएगा 3d0 4s0, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें जीरो। ये देखिए यहाँ सारे पेयर्ड है, ये पेयर्ड, 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 सारे पेयर्ड है, ये सारे पेयर्ड है, यहाँ एक अनपेयर्ड बचा था और यहाँ ये भी निकल जाए दो, ये दो ये, तो यहाँ डी जीरो, तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया जीरो, तो म्यू का वैल्यू हो गया जीरो, ये बन गया डाया मैग्नेटिक, ये बन गया डाया मैग्नेटिक। तो बहुत जल्दी से इस बात को लिखेंगे, ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उससे आपने ये बनाया टाइटेनियम प्लस 3 आयन, टाइटेनियम प्लस 4 आयन। यहां आप n लिखेंगे, n का मतलब आपको बताया था मैंने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए पूरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं आपको, ये पॉइंट पूरा क्लियर हुआ सब लोग को कि नहीं? यस सर। तो ध्यान से सुनिए, पैरामैग्नेटिक, प्रॉपर्टी, इसका मतलब हुआ जब किसी एटम में, आयन में, मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अरे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, यदि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएगा और उसे हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। व्हेन एटम, आयन, मॉलिक्यूल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन attracts towards magnetic field, magnetic field is called paramagnetic property, और compound को बोलने लगते हैं paramagnetic, इसका एक और नाम लिख सकते हैं paramagnetism, paramagnetism। तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेशब मैग्नेटिक फील्ड रख दोगे, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो उसमें वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. हम कैसे पहचाने कि ये पैरामैग्नेटिक है? तो वो अट्रैक्ट हो गए मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे खिंच जाएंगे तुरंत ऐसे, तो हम कहेंगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. तो मैंने ये लिख दिया, तो मैंने कम आर आयन आर मॉलिक्यूल कंटेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरा मैग्नेटिज्म. पूरा क्लियर हो गया बेटा आप लोग को? अब यस सर. तो आगे बढ़ते हैं, ये लिख लीजिए, ये पैरामैग्नेटिक हो गया. और अब इसी प्रॉपर्टी को हम डायमैग्नेटिज्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? ये देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया जीरो, माने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो उसका म्यू कैसा हो जाएगा? जीरो. और इसका म्यू कैसा होगा? ये देखिए, कोई ना कोई वैल्यू है, तो इनका म्यू जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है. ठीक है, इनका म्यू पॉजिटिव वैल्यू होती है. और डायमैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिज्म में होता है व्हेन एन का वैल्यू जीरो हो. एन का वैल्यू जीरो हो माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो, मींस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. काय में, वो चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो एन का वैल्यू हो जाएगा जीरो, और ऐसी कंडीशन में वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल कर जाएगा. ठीक है, तो दे रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, दे रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म. तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलने लगते हैं डायमैग्नेटिक. रिपेल होता है, अट्रैक्ट होता है, एन जीरो होता है, एन कुछ ना कुछ होता है. ठीक है, इसका म्यू पॉजिटिव होता है कुछ ना कुछ, और इसका म्यू क्या हो जाएगा? इसलिए इसका म्यू जीरो हो जाएगा. इसका म्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. बोलो, दोनों में कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर हो गया बेटा अच्छी तरह से? यस सर. यस सर. ओके, सब लोग बेहद ईमानदारी से पढ़िए. मैंने पढ़ाई आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपको कोई डाउट ना रह जाए. डाउटफुल कोई भी स्टडी नहीं होनी चाहिए पूरे सब्जेक्ट की. और आपको मैं इतना बता दूं कि जितना मैं पढ़ाता हूं उसमें से एक वर्ड भी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है. एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप विश्वास रखिए. बस पढ़ते जाइए, आपका काम बन जाएगा. इधर देखिए, सपोज मैंने आपको दिया एफी. एफी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो आप लिख सकते हैं. एफी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लिख लेंगे. 26 लिखो जल्दी से मेरे सामने. ये होता है Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2. अब यहां तक सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ये. ठीक है, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे कुछ. अब मैंने आयन बना दिया, सपोज देखो Fe+2. ये देखिए Fe+2. अगर इसका आपको वैसा स्ट्रक्चर बनाना है तो आप वैसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन. अब देखिए ध्यान से, अगर आप Fe+2 लेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d6. और 3d6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1, 2, 3, 4, यानी यहां पर आपका
एन का वैल्यू फोर है, एन का वैल्यू फोर है, बात क्लियर हो गई भाई, एन का वैल्यू फोर है। ये देखिए डी सिक्स है तो डी सिक्स में एक एम्पेयर इलेक्ट्रॉन, दो तीन और चार, एन का वैल्यू फोर, तो इसलिए म्यू आप कैसे निकालोगे, इसलिए म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस टू, एन का वैल्यू है फोर, फोर प्लस टू, ये भी है, तो ये हो गया अंडर रूट 24, अंडर रूट 24, अरे 25 का रूट होता है 5, तो इसका हो जाएगा 4.9 bm, ये आ गया, ये पॉइंट 4.9 bm, 4.9 bm, ये आपका वैल्यू आपको मिल गया 4.9 bm। ध्यान से सुनो, n का वैल्यू 4, ध्यान से सुनना, n का वैल्यू 4, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब उल्टा क्वेश्चन दें, यही आया है आपको कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.9, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट स्पीसी, तो एकदम देखा, ये देखिए 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये दें तो ये दें तो ये, तुरंत आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए मैं Fe प्लस 3 लेता हूं, Fe प्लस 3, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, दो यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा, दो यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा, तो यहां बचेंगे, यहां बचेंगे 3d5, और जब 3d5 होता है तो d का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है, ये देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये देखिए 3d5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कोई सा भी निकले, ये निकले चाहे ये निकले चाहे ये निकले चाहे ये निकले चाहे ये निकले, d5 तो ऐसा लिखेगा ये। तो म्यू का वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, पहले एन का वैल्यू लिख लीजिए, एन का वैल्यू हो गया 5, इसलिए म्यू का वैल्यू हो गया अंडर रूट 5 5 प्लस 2 bm, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 35, अंडर रूट 35, अंडर रूट 35, और 36 का कितना होता है 6, 36 का रूट कितना होता है 6, तो बताओ 35 का हो जाएगा 5.9 bm, ये आ गया आपका म्यू 5.9 bm, ये आ गया 5.9 bm, तो ये आपका आपको दिखने लगा 5.9 bm। अब ध्यान दो, ये 5 दिख रहा है आपको, n का वैल्यू 5 दिख रहा है, ये देखिए तो ये 5 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, ये 5.9, 5 कुछ लोग 5.84 लिख देंगे, 5.92 लिख देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा, ठीक है। तो मेन बात हो गई n का वैल्यू 5 है तो म्यू का वैल्यू भी 5 पॉइंट समथिंग रहेगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फटाफट लिखिए, देखिए n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो म्यू का वैल्यू अंडर रूट ऑफ n, n प्लस 2, तो म्यू का वैल्यू यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 1.73 bm, यहां आ जाएगा 2.84 bm, यहां आ जाएगा म्यू का वैल्यू 3.92 bm, म्यू का वैल्यू 4.9 bm, म्यू का वैल्यू 5.9 bm, तो ये आपके म्यू के वैल्यूज आ जाएंगे, ये देखिए 5 में 5.92 bm, 92 भी लिख सकते हैं, 93 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आ गया आपका। अब देखो यहां पर जो म्यू का वैल्यू
यहां पर म्यू का वैल्यू हो रहा है जीरो, तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक। ये सब पैरा, ये भी पैरा, ये भी पैरा, ये भी पैरा और ये भी पैरा। अब ध्यान से सुनना जो आपको क्वेश्चन आया है उस पर। ये देखिए, ये सब पैरा है। क्वेश्चन आपको एक बार पूछा गया है कि इनमें लीस्ट पैरा मैग्नेटिक कौन है, तो लीस्ट पैरा मैग्नेटिक ये होगा जो डाया मैग्नेटिक, देखो सबसे ज्यादा पैरा मैग्नेटिक, ये मोस्ट पैरा मैग्नेटिक है। ये मोस्ट पैरा मैग्नेटिक, मोस्ट पैरा मैग्नेटिक का मतलब जो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे, अच्छे से सुनना, जो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे। ये देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फाइव, तो इसका म्यू सबसे ज्यादा आया, ये फाइव तो इसका म्यू सबसे ज्यादा आया, म्यू सबसे ज्यादा आया तो ये पैरा मैग्नेटिक हुआ, पर सबसे ज्यादा पैरा मैग्नेटिक हो गया इन सब में। अब बताओ इससे कम पैरा मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फोर, उससे कम पैरा मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थ्री, उससे कम पैरा मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू, उससे कम पैरा मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन, और सबसे कम पैरा मैग्नेटिक जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए, जो जीरो हो जाएगा तो ये लीस्ट पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। ये बात समझिए ध्यान से, लीस्ट पैरा मैग्नेटिक। क्वेश्चन आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पैरा मैग्नेटिक, तो बच्चों ने ये वाले आंसर लगा के आए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन हो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन हो वो मोस्ट लीस्ट पैरा मैग्नेटिक लगा के आए और मुझसे कह रहे हैं कि सर पैरा मैग्नेटिक पूछा है। फिर मैंने उन्हें यहां से समझाया, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइव तो सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे, बोले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब जीरो हो जाएगा तो वो बन जाएगा डाया मैग्नेटिक और उसे ही हम बोलेंगे लीस्ट पैरा मैग्नेटिक। बोलो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, बोलो कंसेप्ट। तो आप कितना इसमें पैसा क्वेश्चन है, जनरली सब लोग ये सोचते हैं कि पैरा मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा पैरा मैग्नेटिक, तो सही तो सोच रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा तो पैरा मैग्नेटिक। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि सबसे कम हो जाए तो उसका नाम बन जाता है डाया मैग्नेटिक और वही कहलाता है लीस्ट पैरा मैग्नेटिक, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट ही नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम अट्रैक्ट और कम अट्रैक्ट होगा, ये तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो अब बताओ जो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा तो वो कैसा होना चाहिए, समझ गए? ऐसा सोचो किसी स्टूडेंट के पास पांच रुपए, एक के पास चार रुपए, दो रुपए, तीन रुपए, एक रुपए, पांच स्टूडेंट है ये, और एक स्टूडेंट के पास जीरो रुपए, बताओ सबसे कम किसके पास पैसे। बोले सर आपने तो रुपए बोला है सबसे कम, तो सबसे कम रुपए तो एक रुपए वाला होना चाहिए, वो तो जीरो हो गया, उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो भैया यही तो मैं समझा रहा हूँ कि जो जीरो रुपए वाला है वो सबसे कम है, आ गया ना समझ में? बोलो yes, तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन yes, पूछा गया है, तो कितना जरा से मिस्टेक हो जाती है। तो हमको बॉस जब भी कॉम्पिटिशन देना होता है तो हमको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हमको केयरफुली हर चीज को पढ़ना चाहिए तब हम सेलेक्ट होते हैं। बहुत केयरफुली पढ़िए, मैं आपको बिल्कुल ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लाइफ में भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और केमिस्ट्री में भी नहीं रहेगा, समझ गए? चलिए लिखिए इसको। तो हो गया आपका। अब बताओ स्पिन कितना इंपॉर्टेंट है, ये ऑल डिपेंड ऑन स्पिन, इफ ऑल स्पिन्स आर पेयर देन सब्सटेंस इज डाया मैग्नेटिक, व्हेन स्पिन्स आर अनपेयर देन सब्सटेंस मे बी पैरा मैग्नेटिक और ये हो जाएगा फिर।
माइक्रोफोन ऑफ कीजिए, जिसके यहाँ भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज जिनके यहाँ अगर मान लीजिए बात होती है तो वो माइक्रोफोन ऑफ रखें। चलिए तो बताइए, यहाँ तक की पूरी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई आपको इस क्वांटम नंबर तक की? अब देखिए, हम इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाई, इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाई एन एल एम एंड एच, चारों क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन को हम डेजिग्नेटेड करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाई एन एल एम एच। ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाई एन एल एम, इसमें एस नहीं होता है, स्पिन ऑर्बिटल में स्पिन नहीं होता, ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाई एन एल एम, ठीक है। सबसेल, सबसेल इज डेजिग्नेटेड बाई, सबसेल इज डेजिग्नेटेड बाई एन एंड एल, इसमें एम और एस ये नहीं होता है, ये नहीं होते। एंड सेल जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट इज डेजिग्नेटेड बाय एन ओनली, इसमें फिर ये तीनों नहीं होते। तो अब आपको लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय एन एल एम एस, ऑर्बिटल एन एल एम, सब ऑर्बिट एन एल और ऑर्बिट एन। तो लिखिए जल्दी, लिख लिया बेटा ये? इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाई ऑल फोर क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाई ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। तो फिर ऑर्बिटल के लिए एस स्पिन, ऑर्बिटल में स्पिन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन में स्पिन होता है, इसमें एम नहीं होगा और इसमें L नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे। अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर लिखिए, राइट ऑल फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम। क्वेश्चन है, राइट ऑल फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं, हीलियम का 1s2 ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, ये आपका ऑर्बिटल 1s, ये देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका n का वैल्यू, इसमें भी 1, n का वैल्यू इसमें भी 1, ये देखिए 1 है ये, तो ये 1 हो गया है। तो n का वैल्यू 1 हो गया दोनों के लिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में, तो 1 दोनों के लिए कॉमन हो गया n का वैल्यू। फिर l एजीमुथल क्वांटम नंबर, बोलिए s में है ये s में है, अब ध्यान से देखिए ये s में है, s सबसेल है ये, तो सबसेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, l का वैल्यू 0 होता है s सबसेल के लिए, ये सबसेल हो गया आपका, कौन सा सबसेल, s सबसेल, ये ऑर्बिट हो गया 1, ये ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट मतलब सेल, ये ऑर्बिट हो गया, और
ये इसमें ये सबसेल में एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल के लिए एम का वैल्यू जीरो हो गया, इसमें भी एम का वैल्यू जीरो हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन है हमारे सामने, और ठीक है ये एस, एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर एस, तो यदि इसका आपने प्लस हाफ बोला तो इसका आप माइनस हाफ लिखेंगे, और यदि आपने इसका माइनस हाफ लिख दिया तो इसका प्लस हाफ लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको, पूरी चारों क्वांटम नंबर क्लियर हो गए, देखो इलेक्ट्रॉन नंबर वन, इलेक्ट्रॉन नंबर टू, एन दोनों में सेम है, एल दोनों में सेम है जीरो, एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू जीरो होता है, एस ऑर्बिटल है, एस सबसेल का जो ऑर्बिटल होता है वो एस ऑर्बिटल होता है, एन का वैल्यू जीरो होता है, और स्पिन एक का प्लस आप लिया तो दूसरे का माइनस हाफ, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं आप, अगर आपने इसका माइनस हाफ ले लिया स्पिन तो इसका आप प्लस हाफ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो बताइए पॉइंट क्लियर हो गए आप लोग को ये? यस सर। बहुत अच्छे से लिखिए। तो यहां पर मैंने बात की इलेक्ट्रॉन की, देखिए एन एल एम एस, तो इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाई ऑल फोर क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाई ऑल फोर क्वांटम नंबर, अब यदि मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता ध्यान से सुनिए, अब यदि मैं क्वेश्चन देता राइट द क्वांटम नंबर, क्वेश्चन है राइट द क्वांटम नंबर ऑफ वन एस ऑर्बिटल, ये देखो वन एस ऑर्बिटल, अब मैंने बात की वन एस ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल यदि वन एस है, ये देखो यहां से मैंने इसको हटा दिया, जब ऑर्बिटल वन एस है तो ये आपको दिख रहा है वन, एन का वैल्यू वन, फिर आपको एस सबसेल दिख रहा है एल का वैल्यू जीरो, फिर एस सबसेल में एस ऑर्बिटल दिख रहा है तो एम का वैल्यू जीरो, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरत पड़ेगी, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो बताइए ये आपका किसका क्वांटम नंबर हो गया, वन एस का क्वांटम नंबर हो गया, एन हो गया, एल हो गया, एम, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, तो ऑर्बिटल के लिए आपको एस की जरूरत नहीं पड़ती, ये वन एस ऑर्बिटल हो गया, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, साई, साई आप जानते ही हैं, साई एन एल एम, ये कहलाता है ऑर्बिटल, और इसका आप इस तरह से लिख सकते हैं साई एन का वैल्यू है वन, एल का वैल्यू है जीरो, एम का वैल्यू है जीरो, साई हंड्रेड का मतलब ये वन एस ऑर्बिटल हो गया, ये वन एस ऑर्बिटल हो गया, तो ये आपका वन एस ऑर्बिटल कहलाता है। तो ऑर्बिटल की जब हम बात करेंगे तो एक दो तीन, तीन क्वांटम नंबर से उसे डेजिग्नेट किया जाएगा, एन एल एम से, एस स्पिन नहीं होगा, ये देखिए ऑर्बिटल, साई का मतलब होता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय एन एल एम, एन का वैल्यू वन, एल का वैल्यू जीरो, एम का वैल्यू जीरो हो तो ऑर्बिटल हो जाता है वन एस ऑर्बिटल, कौन सा हो जाता है वन एस ऑर्बिटल, बताइए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया आप लोग का ये? यस सर। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है राइट ऑल फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, ऑल फोर क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, तो लिख के बताइए,
ये आपका लास्ट, बेटा ध्यान से सुनना, ये लास्ट सेल हो गया, ये आपका दिस इज द लास्ट सेल, ये लास्ट सेल, और लास्ट सेल को ही हम बोलते हैं बैलेंसी सेल, लास्ट सेल को हम बैलेंसी सेल बोलते हैं। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द लास्ट सेल, थर्ड लास्ट सेल का नाम होता है वैलेंसी सेल, और वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और आपको वही पूछा है। तो बस हमारा n का वैल्यू हो गया 3। ये देखिए लास्ट सेल, s सबसेल है तो l का वैल्यू हो गया 0। s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल, तो m का वैल्यू हो गया 0। और स्पिन क्वांटम, ये s ऑर्बिटल है भैया, ये s ऑर्बिटल है और ये s स्पिन क्वांटम नंबर है जिसका वैल्यू हो गया प्लस हाफ। बोलिए क्या मैं माइनस हाफ लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए आप लोग, बताइए मैं माइनस हाफ लिख सकता हूँ कि नहीं इसका, यस आर नो? यस सर। यस, इट मे बी इन द प्लस हाफ और माइनस हाफ, इफ प्लस हाफ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस हाफ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, द सिंगल इलेक्ट्रॉन मे स्पिन इन द प्लस हाफ एंड माइनस हाफ बोथ, तो कोई भी हो सकता है, ये दोनों करेक्ट हैं, यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। तो बताइए यहाँ तक के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? यस सर। तो क्वेश्चन है, राइट द क्वेश्चन है, राइट द क्वांटम नंबर्स ऑफ 3D ऑर्बिटल। आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लिखिए आप, तो क्वांटम नंबर ऑफ 3D ऑर्बिटल, यहां ध्यान से सुनिए 3D, तो सबसे पहली बात 3D में n का वैल्यू 3 हो गया, ये हमको सामने दिख रहा है n का वैल्यू 3। या d सबसेल है तो d सबसेल के लिए l का वैल्यू क्या होता है 2, सबको याद होना चाहिए। s के लिए l का वैल्यू होता है 0, p के लिए l का वैल्यू होता है 1, डी के लिए एल का वैल्यू होता है 2, एफ के लिए एल का वैल्यू होता है 3। तो ये आपको याद होना चाहिए, हमको ये डी दिख रहा है तो डी के लिए ये हो गया सबसे पहले 3, ये डी के लिए हो गया एल का वैल्यू 2। अब हमें ये ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब ऑर्बिट, अब हमें ऑर्बिटल लिखना है, तो बताइए एम का वैल्यू कितना होना चाहिए, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताइए जल्दी से, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। हाँ, तो ये डी के ऑर्बिटल हो गए, -2 हो गया, -1, ये 2 से, ये 2 है तो -2 से लगा करके 0 को इंक्लूड करता हुआ +1 से +2 तक वैल्यू जाता है, सबको याद होना चाहिए। तो ये आपके 3D ऑर्बिटल के एन एल एम हो गए। तो 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, बोले सर 5 इसमें ये नहीं लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा है कि 3D XY या 3D Z स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखा है, इसमें तो केवल ये लिखा है 3D ऑर्बिटल। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, 3D ऑर्बिटल, दिमाग लगाया कि यार n का वैल्यू 3 है, डी के लिए l का वैल्यू क्लियर है 2 है, ये और डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, तो क्या हमको 5 ऑर्बिटल लिखना है कि एक लिखना है,
वो तो 3D ऑर्बिटल्स बोल चुका है, मतलब पांच क्यों लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 पांचों ऑर्बिटल, और पांचों के लिए डी के लिए जो एम के वैल्यू होते हैं वो माइनस एल से प्लस एल तक होते हैं, माइनस एल माइनस टू से प्लस एल तक होते हैं, तो माइनस टू माइनस वन जीरो, प्लस वन प्लस टू, ये पांच वैल्यूज होते हैं। इस तरह आपको इसका आंसर देना होगा। हो गया क्लियर ये? ठीक है बेटा, आ गया समझ? यस सर। यस सर। अब जो आपको आया उसको सुनिए ध्यान से। अब आपका नाम ले दे, जैसे मान लो किसी से पूछे कि भैया आपके कितने बेटे हैं, तो आंसर दे देगा वो 5, तो ये 5 बेटे आंसर दे दिया, ठीक है, माइनस टू माइनस वन जीरो, प्लस वन प्लस टू, ऐसे ही बोल दिया 5। और मुझसे पूछे कि भैया सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा का नाम और उसका रोल नंबर लिखो, तो फिर वो क्या सोचेगा, हाँ यार मेरे 5 बेटे हैं, सबसे छोटा तो डी डेड स्क्वायर है और उसका रोल नंबर 0 होता है। तो आपको याद दिला रहा हूं मैं कि इसका क्वेश्चन अब मैं बदल रहा हूं, यहाँ पर 3DZ स्क्वायर कर रहा हूँ, ये ऑर्बिटल 3DZ स्क्वायर ऑर्बिटल, तो 3DZ स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए इसका स्पेसिफिकेशन होता है m का 0, ये 0 होता है, तो d के लिए 2 और z के लिए होता है 0, तो ये आपको ऐसे याद करना है, ये है इंपॉर्टेंट बात। जैसे मैंने बनाए हैं ये इसी तरह से आपको लिखना है, 3DZ स्क्वायर का स्पेसिफिकली m का वैल्यू 0 होता है, मैंने वहां पे समझाया है, उससे अच्छे से समझिए। सब लोग लिख लिए अच्छे से? यस सर। तो यहां पर इतनी बात अच्छे से समझ रहे हैं। अब बताओ ऑर्बिटल का एंगुलर, ऑर्बिटल के बारे में आपको क्लियर हो गया कि नहीं, लिखना क्लियर हो गया, लिखना कि नहीं, NLM सर ऑर्बिटल का, हाँ बोले आप सर। जेड स्क्वायर 0 क्यों लिया? वो उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन है, DZ एक्सिस पर जो ऑर्बिटल है उसके लिए m के वैल्यू 0 मान लिए जाते हैं, तो वो एक क्या बोलते हैं, माना जाता है, ठीक है, जेड पर। जैसे मैं आपको लास्ट ईयर आपको नीट में क्वेश्चन आया है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये देखिए, ये 2PZ ले लिया, ये तो n का वैल्यू हो गया 2, p के लिए l का वैल्यू होता है 1, ये 2 हो गया, ये p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, जेड के लिए 0 होता है, ये आपके बस जस्ट लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, PZ के लिए m का वैल्यू 0 होता है, नीट का क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल नीट का। सर z की वैल्यू m के लिए हमेशा 0 रहेगी? हाँ, PZ का, DZ स्क्वायर का, इनका, ये नीट का लाभ देखो तो, नीट में क्वेश्चन जो आए उसको देखो आप, जब आप क्वेश्चन देखोगे तब मेरे पढ़ाने का इम्पोर्टेंस तुम्हें समझ आएगा। अगर तुम क्वेश्चन नहीं देखोगे तो तुम्हें या तो ये इजी लगेगा या आपको समझ नहीं आएगा कि अरे यार हमने ऐसा तो पढ़ा ही नहीं है, या उस टीचर ने हमको ऐसा तो बताया ही नहीं या हम पढ़े हैं, ठीक है, उसने तो बताया था प्लस हाफ अपवर्ड का माइनस हाफ डाउनवर्ड का, और ये तो बता रहा है प्लस हाफ अपवर्ड का तो माइनस हाफ डाउनवर्ड का, यदि माइनस हाफ अपवर्ड का तो प्लस हाफ डाउन, तो आपको मैं कंपटीशन, मेरा एम क्या है, आपको कंपटीशन निकालना है, समझ गए कि नहीं, आपको सही जानकारी देना आपको, ताकि आपके क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, तो आप पहले जहां पे पढ़े हैं उनसे आप क्या बोलते हैं, अगर कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहा हो तो आप उससे बात भी कर सकते हैं कभी भी, और अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही हो तो आप फिर बिल्कुल परफेक्टली इस पर विश्वास करके काम करें। आगे मेरी बात समझ में? तो आज की क्लास बस यहीं पर हम फिनिश करते हैं, आप यहाँ तक की पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलते हैं। थैंक यू।
वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, आज की क्लास सबसे अच्छी आपको लगी कि नहीं लगी बताइए। यस सर। सबको अच्छा लगा पढ़ने में? एकदम क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया। बस ऐसे आप पढ़ते जाइए और मुझ पर विश्वास रखिए कि आपका कोई क्वेश्चन बंद गलत नहीं होगा। हाँ बोले सर, मैंने पहले की क्लास अटेंड नहीं की है, वो मैंने यूट्यूब पर डाल दी है तीनों क्लासें। ठीक है, चलिए अब रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू।